हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्चना फैशन डिजाइनर। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत आसान सा बिगनर फ्रेंडली बुनाई डिजाइन लेकर आई हूँ। अगर आप लोग बुनाई करना सीख भी रहे हो तो भी आप इसे बना सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ सीधा उल्टा बनाते हुए ही डिजाइन डालना है। और फंदे की अगर बात करें तो इसमें 3 के गुने में फंदे लेने हैं, यानी कि 3 के मल्टीपल में स्टिचेस लेने हैं। एक फंदा आपको इसमें एक्स्ट्रा रखना है। और सिर्फ 4 सलाइयों में बुनाई डिजाइन बनके कंप्लीट हो जाता है। जो 4 सलाइयां आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी सिलाई, एक भी रो स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज डिजाइन समझ में नहीं आएगा। और जो डिजाइन पैटर्न की फर्स्ट रो होगी, वो आपकी फ्रंट साइड से, यानी कि सीधी तरफ से स्टार्ट होगी। गाइज, मेरा ना थोड़ा गला खराब है, तो इसलिए मैं थोड़ा अटक अटक के बोल रही हूँ। ये देखिए, तो अभी देखिए मैं अपनी फ्रंट साइड पे हूँ, पैटर्न की फर्स्ट रो है। तो पहला फंदा ऐसे एज स्टिच का बना लेंगे, इसके बाद धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, सॉरी धागा पीछे ही रहेगा। यहाँ पे हम 2 फंदा सीधा बनाएंगे, देखो 1 2। अब तीसरा फंदा भी हमें सीधा बनाना है, लेकिन 3 बार धागा लपेटते हुए, देखो 1 2 और ये 3, ऐसे एज स्टिच को छोड़कर ये जो 3 फंदे हमने बनाए यही रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, 3 बार धागा लपेटते हुए 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 3 बार धागा लपेटते हुए सीधा फंदा, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 2 फंदा सीधा, 3 बार धागा लपेटते हुए सीधा, लास्ट में 3 फंदा बचेगा, जिसमें से आपको 2 फंदा सीधा बनाना है। एज स्टिच को भी आपको सीधा ही बनाना है। अब आ जाएंगे हम रॉन्ग साइड से पैटर्न की रो नंबर 2। पहला फंदा आप स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब जो फंदे हमने फर्स्ट रो में सीधे बनाए थे, इसे हम सेकंड रो में भी सीधे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, 2 फंदा सीधा बनाएंगे, अब धागा अपनी तरफ लाएंगे। ये फंदा जो हमने 3 बार धागा लपेटा था, इसको हम ऐसे खोल के स्लिप कर लेंगे। बस यही 3 फंदे हम रिपीट करेंगे। तो धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, इसे हम स्लिप कर लेंगे। 2 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लाके इस फंदे को स्लिप कर लेंगे, तो ये फंदा हमारा बड़ा हो जाएगा। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इसे स्लिप कर लेंगे। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इसे हम उतार लेंगे ऐसे बिना बुने। 2 फंदे सीधे और लास्ट में 1 फंदा बचेगा, ये किनारे का फंदा है एज स्टिच का, इसे हम उल्टा बना लेंगे। देखो, 2 सिलाइयां हमने बना ली है, ठीक है। 2 सिलाइयों में हमने दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाया। अब आगे की 2 सिलाइयों में दोनों तरफ से हम उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरफ, अब हम यहाँ 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे, ये फंदा हम उतार लेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, इसे उतार लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, इसे हम स्लिप कर लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाके 2 फंदे उल्टे, 1 एंड 2, धागा पीछे, इसे हम स्लिप कर लेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे, एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। रो नंबर 4, चौथी सिलाई, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, तो इन्हें हम उल्टा बनाएंगे अब, क्योंकि 2 सिलाइयां रो नंबर 4, जैसे हमने रो नंबर 3 बनाई थी, जो फंदा उल्टा बनाया उसे हम इधर भी उल्टा बनाएंगे, ठीक है। धागा हमारा यही रहेगा, क्योंकि अभी तो हम उल्टा बना रहे हैं, इसे स्लिप कर लेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदा उल्टा, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदा उल्टा, इसे स्लिप करेंगे, 2 फंदा उल्टा, से स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा, एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप, ये 4 सलाइयां हमने बनाई हैं, यही हम रिपीट करते हुए जाएंगे। तो रो 1 में आपको फिर से बताऊंगी, पहला
पहला फंदा स्लिप करके, धागा तो खैर पीछे ही रहेगा, दो फंदा सीधा, वन टू। अब ये जो बड़ा वाला फंदा है ना, इसको तीन बार धागा लपेटेंगे, वन टू थ्री ऐसे बोल लेंगे, फिर धागा पीछे ही रहेगा, सॉरी मैं खुद भूल जाती हूँ। दो फंदा सीधा, इसे दो तीन बार, वन टू और ये थ्री, दो फंदा सीधा। तो इसी तरह से इसे हम बनाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा मेकअप वाला चैनल नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, वहां पर मैं DIY स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोस बनाती हूँ, तो एक बार देखिएगा, हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम का हो, आपको पसंद आए, तो प्लीज मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्यार सपोर्ट दीजिएगा जैसे आपने मेरे इस चैनल को दिया है वैसे ही। तो देखिए, इस तरह से हमने रो वन फिर से रिपीट कर ली। रो टू हम एक और रिपीट करेंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे। अब देखो, इसमें भी हमें सीधा ही बनाना है, ठीक है, ऐसे, क्योंकि मैं एक बार और इस डिजाइन को रिपीट करके इसलिए बताती हूँ, इसे खोल लेंगे, जिससे कि जो बिगनर्स हैं वो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपने दोबारा से स्टार्ट करके डिजाइन को नहीं बताया। तो मुझे हर किसी का ख्याल रखना होता है, और जो लोग बोर हो जाते हैं मेरे इस वीडियो से, तो प्लीज आप लोग एक बार देख लिया कीजिए, उसके बाद मत देखा कीजिए अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। मैं तो कहती हूँ देखेंगे तो फिर थोड़ा अच्छा ही रहेगा, आपको अच्छा प्रैक्टिस रहेगा इसका। ये देखिए, ये दो सिलाइयों में हमें सीधा सीधा बनाना है दोनों तरफ से, और दो सिलाइयों में हमें उल्टा उल्टा बनाना है। ये देखो ऐसे, अब हम इसको उल्टे लाइन को स्टार्ट करेंगे, एक फंदा स्लिप करके, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा उतार लिया, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा उतारेंगे, दो फंदा उल्टा, फिर उतार लेंगे, दो फंदा उल्टा, दो फंदा उल्टा, फिर स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा। देखो, यही आपको बस चार सिलाइयां रिपीट करते हुए जाना है, बहुत आसान डिजाइन है। अब यहाँ पर भी देखो, दो फंदा उल्टा, अब हमें धागा आगे आगे पीछे करने की भी जरूरत नहीं है, बस दो फंदा उल्टा बनाते जाइए और स्लिप करते जाइए, ऐसे करके स्लिप किया, फिर देखो दो फंदा उल्टा बनाया, स्लिप किया, दो फंदा उल्टा बनाया, क्योंकि धागा हमारा ऑलरेडी अभी उल्टी साइड पे ही है, तो हमें धागा उल्टा करने की जरूरत नहीं है, पलटने मतलब आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। देखो, ये मैंने एक बार और आपको रिपीट करके बता दिया डिजाइन, देखो इस तरह से बहुत खूबसूरत बन के आया है। जब आप इसे और ज्यादा फंदों पे बनाएंगे तो ये देखो इस तरह से डिजाइन बन के आएगा, आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत डिजाइन बनता है। ये देखिए, इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे ना, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, जैकेट, ब्लैंकेट, हर जगह बहुत खूबसूरत बनेगा। तो आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। रॉन्ग साइड से देखिए इस तरह से दिखता है, और फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है ये। ट्राई करना, वीडियो को शेयर जरूर करना सभी लोगों के साथ, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ये देखिए, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।